19 तारीख को एक क्लस्टर हम लोगों ने बनाया है केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक। अपने राज्य के अंदर 5 क्लस्टर है। एक क्लस्टर में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं 19 तारीख को, वह कार्यक्रम है। इसके बाद विभिन्न क्लस्टरों में, जैसे कोई एक क्लस्टर में आदरणीय राजनाथ जी आएंगे, डॉक्टर रमन सिंह आएंगे, आदरणीय सुषमा स्वराज जी आएंगी, आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे। इस तरह झारखंड प्रांत में इस तरह का क्लस्टर बना हुआ है और हमारे शीर्ष नेतागण इस क्लस्टर के कार्यक्रमों में, क्योंकि क्लस्टर में हम बूथ के अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ताओं का क्लस्टर में सम्मेलन है। सम्मेलन में वो लोग उपस्थित होने वाले हैं, बाद बाकी चीजों पर वो लोग प्रकाश डालेंगे कि भाई सब हम जानते हैं कि 2019 लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 2019 की लोकसभा चुनाव में 2014 की सीटों को बढ़ा करके और उससे ज्यादा बड़ी जीत के साथ 2019 में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि बड़ी जीत होगी, 2014 से भी बड़ी जीत, यानी हम 350 से भी प्लस करेंगे। इस योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इसका संकल्प भी लिया है। संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर और टीम ने, क्योंकि इस देश के अंदर आदिवासी हरिजन ओबीसी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, या देश स्वतंत्र होने के बाद से ही अलग हो गया। इसके बाद यह देखा गया और बार बार यह मांग भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने भी, कांग्रेस की सरकार के समक्ष भी, कि जो सवर्ण है आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है, इनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया। मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और पूरा केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, इस सवर्ण को 10% आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में जो दिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत।